हाँ तो इस तो अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, कर दिया बड़ा ऐलान, जल्द करा लो ये काम, खाते में आएंगे इतने 1000 रुपये जानेंगे। केंद्र सरकार लघु सीमांत किसानों को सालाना 3 किस्तों में के माध्यम से 6000 रुपये दे रही है, जिसका मकसद लाभार्थियों को कृषि करने के लिए मदद करना होता है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत अब तक 10 किस्तों में ट्रांसफर किया है और इस योजना में कई राज्यों में फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, जिसे रोकने को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। स्कीम से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। अब राशन कार्ड के बिना लाभार्थियों को योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा, ये कागजात देना होगा, जरूरी काम है। और पीएम किसान योजना के तहत अब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर देना होगा। अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अब दस्तावेज की DF फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके तहत किसानों के खाते में सीधा 6000 की किस्त आती है। तो दोस्तों, किसानों के जो खाते में 6000 की किस्त आती है वो एक साथ 3 महीने की डाल दी जाती है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों को हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना